चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों के पास से इंसास और साथ ही साथ एसएलआर के साथ भारी मात्रा में जिंदा गोली, गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं बाकी उग्रवादी भागने में सफल रहे हैं। एसपी विकास पांडे ने बताया है कि गिरफ्तार उग्रवादियों पर पिछले महीने हिंदिया कला गांव में हमला कर आदिम जनजाति बिरहोर परिवार के पिता पुत्र की हत्या का भी आरोप है। इनका कमांडर जो है हरिंदरगंज, वो अपना कुछ साथी के साथ पलामू और चतरा बॉर्डर के कुंदा थाना क्षेत्र के सिकीदा कुजरम जंगल में कहीं पे जमा हुआ है। ये तीन लोग हम लोग को ये भागते हुए नजर आए। जब उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, और बाकी कुछ लोग जो थे जो जंगल का और पहाड़ का लाभ उठा के भाग गए, तो ये तीन लोग को जो पकड़ा गया उसमें जब उनको उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक के पास से एक इंसास लोडेड राइफल बरामद हुआ, एक के पास से एसएलआर राइफल लोडेड बरामद हुआ और एक के पास से AK-47 के कुछ जो है जिंदा राउंड्स बरामद हुए। उनमें एक है मनोज गंजू उर्फ सुरेंद्र गंजू उर्फ इरफान, जो करीब 19 से 20 वर्ष का है और ये मनातू पला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।